माय चैनल। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे चॉकलेट कितना पसंद है। तो आज फिर से एक चॉकलेट रिलेटेड रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है फ्लावरलेस चॉकलेट केक। अब ये रेसिपी में फ्लावर नहीं है, तो बेसिकली ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेजर्ट्स खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो हेल्थ वाइज थोड़ा कॉन्शियस होते हैं और इसलिए नहीं खा पाते हैं, तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है आपके लिए। अब ये एक केक ट्रेडिशनल केक की तरह नहीं है, ये बहुत ही रिच और डेकेडेंट केक है, रियल चॉकलेट से बना है और थोड़ा सा ब्राउनी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर होता है, तो बहुत ही अमेजिंग है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर एग वाइट्स और फिर अब हम इसे बीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट एंड फ्लफी होने लगा है। अब धीरे धीरे हमें हमारी कैस्टर शुगर डालनी है यहाँ पर, जस्ट 1 टीस्पून बाय टीस्पून। अब हमारा सेकेंड बैच, थोड़ी थोड़ी करके ही शुगर डालनी है और एटलीस्ट 20-30 सेकेंड्स के लिए इसे मिक्स करना ही है, वरना जो शुगर है वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगी। चाहिए हमारी लास्ट बैच ऑफ शुगर और इसे तब तक बीट करना है जब तक आपको मीडियम टू स्टिफ पीक्स नहीं मिल जाते। अब जो हमारे एग वाइट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्टिफ है, तो अब इसे साइड में रख देंगे। तो अब हमारा मरैंग तो रेडी हो गया है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखना है कि मरैंग कैसे बनाना है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है मरैंग कुकीज करके, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए इसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है बनाने में, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब हमारा मरैंग तो रेडी हो गया है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दूसरे बोल में हम डालेंगे चॉकलेट, यहाँ पर गुड क्वालिटी चॉकलेट यूज़ कीजिए, एंड देन सम सॉल्टेड बटर। आई वुड एडवाइस यू टू यूज सॉल्टेड बटर क्योंकि एक सॉल्टी टेस्ट अच्छा लगता है, एंड द इंग्रीडियंट्स आर ऑल एट रूम टेम्परेचर। और अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड, जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो अब हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब जस्ट इसे एक हल्का सा स्टर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए बटर और चॉकलेट। इसे ओवरहीट ना करें वरना जो चॉकलेट में से जो फैट्स है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और आपको एक स्मूथ मिक्सचर नहीं मिल पाएगा। जो भी लम्स है उसे जस्ट मिक्स करके ही निकाल दीजिए। अब हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एग योक्स, और फिर एग योक्स डालने के बाद इसे वापस से मिक्स करेंगे। एग योक्स को चॉकलेट और बटर मिक्सचर में डालने के बाद सिर्फ उसे मिक्स करना है और फिर आपको जो एग वाइट्स हमने पहले विस्क किए थे उसे फोल्ड करना है। तो मैं एक्चुअली कैमरा ऑन करना भूल गई, सो इसलिए वो शॉट थोड़ा मिस हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एग वाइट्स को बटर और चॉकलेट के मिक्सचर में फोल्ड करना है, बट जस्ट वन टिप, मेक श्योर कि आप बहुत जेंटली फोल्ड कर रहे हैं और बहुत ऐसा लाइक विगरसली मिक्स ना करें, सो बहुत जेंटली फोल्ड कीजिए, और जो भी हमने एयर इनकॉर्पोरेट की है वो सब निकल जाएगी और फिर रेसिपी का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेसिपी, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें वो टेक्स्चर मिलने वाला है।
तो अब हमारा फ्लॉलेस चॉकलेट केक का बैटर यहाँ पर रेडी हो गया है। आपने देखा बहुत ही इजी था, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है एग्स, बटर, शुगर एंड चॉकलेट। नाउ अब मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। सो सबसे पहले मेक श्योर कि यू यूज गुड क्वालिटी चॉकलेट, बिकॉज अगर चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर केक भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच चॉकलेट केक है, तो जो मेन फ्लेवर जो है वो चॉकलेट से ही आ रहा है और जो टेक्सचर है वो अंडों से आ रहा है। सो इसलिए जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग वेरी गुड क्वालिटी चॉकलेट। नाउ अगर आप बहुत बिटर स्वीट चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं लाइक 70%, तो आपको थोड़ा शुगर का अमाउंट बढ़ाना पड़ सकता है। मैंने यहाँ पर 55% ऑफ कैलिबोर बेल्जियन चॉकलेट यूज़ किया है, तो मुझे ये अमाउंट ऑफ शुगर इज़ परफेक्ट, लाइक थोड़ा स्वीटनेस और थोड़ा बिटरनेस का बैलेंस होना चाहिए। सो या बस अब इसे बेक करना है और फिर ये रेडी होगा। मेरे पास एक 6 इंच केक रिंग है जिससे मैंने अंदर से बटर से लाइन ग्रीस कर लिया है, और फिर यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर है नीचे से। पार्चमेंट पेपर को बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो हमारा बैटर है वो इसमें डाल दूँगी। पार्चमेंट पेपर है इसे मैं सिर्फ ऐसे केक रिंग के अराउंड फोल्ड करूँगी ताकि ये टाइट रहे। ये एक्चुअली पहले ही करना चाहिए था, मैं भूल गई, सॉरी। तो जिस बैटर डालने के बाद आपको ऐसे क्रम्बल करना है पेपर को ताकि ये अच्छे से टाइट रहे, वरना जो आपका बैटर है वो लीक हो सकता है। सो अब मैंने यहाँ पर केक रिंग यूज किया है, आप एक लूज बॉटम पैन भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज़ द बेसिक केक मोल्ड, क्योंकि जब आप इसे फ्लिप करेंगे तो टूटने के चांसेस है, और ये बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव केक है। सो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू यूज़ अ केक रिंग और लूज बॉटम केक पैन। सो अब मैं इसे बेक करूँगी इन अ प्री हीटेड ओवन एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने हमारे फ्लॉलेस चॉकलेट केक को 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। अब इसे ओवर बेक ना करें वरना ये ड्राई होते जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लार नहीं है और ये बेसिकली एग्स ही ज़्यादा है। सो जो एग्स है वो ड्राई आउट हो सकते हैं, सो इसलिए प्लीज़ डू नॉट ओवर बेक इट। सो नाउ इट्स रेडी, और अब ये जो केक रिंग है वो मैं इसे लिफ्ट करने वाली हूँ। यू कैन सी ये बहुत इजीली निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये डिफ्लेट हो गया है और थोड़ा क्रम्बी है, तो ये इसका एक नेचुरल टेक्सचर है। सो जब आप केक को ओवन में से निकालेंगे तब ये अच्छे से राइज हो गया होगा, लाइट एंड फ्लफी दिखेगा, बट आफ्टर सम टाइम लाइक 10 to 15 मिनट्स के बाद ये थोड़ा डिफ्लेट होगा और आपको एक थोड़ा क्रिस्पी टॉप मिल सकता है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। उसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, ये वैसा ही होता है और वो एक इसका नेचुरल ब्यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही अच्छा दिखता है। सो अब और मैं इसे थोड़ा ठंडा होने देने वाली हूँ और फिर मैं इसे कट करूँगी। सो योर रेसिपी इज़ डन एंड रेडी हियर। सो आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ या फिर हेल्दी रेसिपीज़ चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।